कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भो मा ते संगोस्तवि कर्मणि। श्री विष्णु पुराण जीव ज्ञान ब्रह्म ज्ञान अथ श्री विष्णु पुराण। ओम की कथा महान, ओम की कथा महान, जय श्री विष्णु पुराण। विष्णु पुराण और योग ध्यान। विष्णु पुराण, विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। मैं माँ हूं, धरती माँ। भगवान विष्णु ने कहा है कि मैंने मानव को विवेक दिया है, बुद्धि दी है, किंतु विवेक और बुद्धि रूपी दिन के साथ साथ मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि भी तो है। और कभी कभी मोह और महत्वाकांक्षा की रात्रि विवेक और बुद्धि के दिन को निगल लेती है। भगवान विष्णु का आदेश यह है कि मोह पर बुद्धि को, महत्वाकांक्षा पर न्याय को और भावुकता पर तर्क को प्राथमिकता दी जाए। महाराज उत्तानपाद सुरुचि के मोह जाल में उलझकर बुद्धि, न्याय और तर्क से दूर चले गए। इसी बीच मैं ये देख रही थी कि बालक ध्रुव के रूप में एक दृढ़ निश्चय जन्म ले रहा है, मानव इतिहास की एक नई भूमिका बन रही है। किंतु माता लक्ष्मी की भांति मैं भी ये सोच सोच कर व्याकुल हो रही हूं कि ध्रुव के दृढ़ निश्चय का क्या परिणाम होगा। याद रखो उत्तानपाद, यदि पुत्र वियोग में मेरी पुत्र वधु को कुछ हो गया तो तुम मेरे शाप से नहीं बच पाओगे। पिताश्री सुनिए तो सही। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। पिताश्री, पिताश्री मुझे इतना कड़ा डंडा दीजिए पिताश्री। आपने सत्य ही कहा पिताश्री, मैं ना तो अच्छा राजा बन सका, ना अच्छा पति और ना ही अच्छा पिता।
मुझे दंड मिलना ही चाहिए। और यह भी सत्य है कि राजा को दंड स्वयं राजा ही दे सकता है। नहीं स्वामी, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़ दो, मुझे मर जाने दो। मेरे अपराध का यही दंड है, यही मेरा प्राश्चित है। नहीं, पाप अपराध का प्राश्चित नहीं होता, आत्महत्या पाप है और मैं आपको एक कदापि नहीं करने दूंगी। क्यों रोका मुझे? मुझे मर क्यों नहीं जाने दिया? क्यों रोका मुझे? मेरी आंखों से बहने वाले पुत्र वियोग के अश्रुओं को तो आप पोंछ ना सके, मेरी मांग का सिंदूर पहुंच देना चाहते थे। गोद सुनी हो गई, मांग भी सुनी कर देना चाहते थे। पुत्र के लौटने की तो मैं प्रतीक्षा कर सकती हूँ, आपको कुछ हो जाए तो मैं क्या करूंगी? तो फिर मैं क्या करूं? मुझ में तो इतनी शक्ति भी नहीं है कि तुमसे एक क्षमा याचना कर सकूं। ऐसा ना कहिए महाराज। जब ऐसा ही है तो ऐसा क्यों ना कहूं? दोष तो मेरा ही था और दंड तुम भोग रही हो। पिताश्री ने आकर मेरी आंखें खोल दी, पर दुख तो इस बात का है कि आंखें तब खुली जब समय बीत चुका था, वर्षा तब हुई जब खेती सूख चुकी थी। अब भी समय है महाराज, पुत्र ध्रुव अभी दूर तक नहीं गया होगा। तो फिर ठीक है, मैं स्वयं जाऊंगा अपने पुत्र की खोज में। मैं स्वयं खोजूंगा अपने पुत्र ध्रुव को। आज बहुत प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं देवर्षि। प्रसन्न क्यों ना हूं सर्वेश्वर, धरती पर जब कोई अनुपम घटना घटती है तो मन इस प्रकार से खिल उठता है मानो बसंत बयार बहने से मधुबन। और आज तो मैंने वो दृश्य देखा जिसे देखकर मैं आनंद विभोर हो उठा। मुझे ज्ञात नहीं था कि कभी कभी किसी के कड़वे वचन भी कानों में अमृत रस घोल दिया करते हैं। तो अपनी प्रसन्नता हमसे नहीं बांटेंगे देवर्षि? आपसे क्या छिपा सकता हूं, आप तो विश्वव्यापी हैं। परंतु विश्वास कीजिए, आज महाराज मनु ने अपने पुत्र को ऐसी खरी खरी सुनाई कि मेरा मन तो झूम उठा। उत्तानपात पर सुरुचि की मोह माया का जो रंग चढ़ा हुआ था वो तो ऐसे उतर गया जैसे बरखा की बौछार पड़ने से वृक्ष पे जमी धूल उतर जाती है। मनु ने वही किया जो एक परिवार के सर्वे सर्वा को करना चाहिए था। नई पीढ़ियां जब अकारण ही आवेश में आकर अपने पूर्वजों के बनाए हुए अच्छे नियम तोड़ने लगें, सुंदर परंपराओं का त्याग करने लगें और अपने संस्कारों से विमुख होने लगें, तो बड़ों का कर्तव्य है कि उन्हें भटकने पर टोकें, पतन से रोकें। जिस प्रकार एक अंकुश मदमस्त हाथी को अनियंत्रित होने से रोकता है, उसी प्रकार बड़ों का उपदेश छोटों को भटकने से रोकता है। परंतु मुझे आश्चर्य तो इस बात पर हुआ कि उत्तानपाद चुपचाप सिर झुकाए अपने पिता की फटकार सुनता रहा। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है देवर्षि,
जिस प्रकार देर तक सोने वाले को सूर्य की तीव्र किरणें जागने के लिए विवश करती हैं, उसी प्रकार मनु के कटु वचन ने उत्तानपाद को झिंझोड़ना चाहा था। और पुत्र को भी पिता का इसी प्रकार आदर करना चाहिए, क्योंकि पिता ने पुत्र से अधिक जीवन जिया होता है। पिता के अनुभव पुत्र के अनुभवों की तुलना में कहीं अधिक विशाल, अधिक व्यापक और समय की कसौटी पर अधिक खरे उतरे हुए होते हैं। देवर्षि, नवीन पीढ़ियों को भी यह जान लेना चाहिए कि जीवन मार्ग पर उनके पहले के यात्रियों, उनके पूर्वजों के पदचिन्ह उन दीपकों के समान हैं जो उन्हें सही राह दिखाते हैं। मनु ने उत्तानपाद को उचित मार्ग दिखाया। उचित मार्ग? आपकी लीला भी विचित्र है मायापति। आपने ध्रुव को अपनी ही खोज में भेज दिया और उधर महाराज उत्तानपाद ध्रुव की खोज के लिए निकल रहे हैं, और इस बात को आपसे अच्छा और कौन जान सकता है कि ध्रुव का आप तक और उत्तानपाद का ध्रुव तक पहुंचना कितना कठिन है। कठिनाइयां ना हो तो मानव जाति में चुनौतियां स्वीकार करने की क्षमता ही समाप्त हो जाए। हर पग पर सरलता मिली तो मानव जीवन बहुत कठिन हो जाएगा। देवर्षि, जूझने दीजिए उन दोनों को अपने संघर्षों से। उन्हें पता तो चले कि जीवन की कठिनाइयों से हर व्यक्ति को स्वयं ही उलझना पड़ता है और स्वयं ही उनके समाधान ढूंढने पड़ते हैं। वह तो ठीक है प्रभु, मुझे महाराज उत्तानपाद की चिंता नहीं है। वो तो ध्रुव की खोज में निकले हैं। ध्रुव किन मार्गों पर जा सकता है, किन क्षेत्रों में जा सकता है, इसका ज्ञान है उनको। उन्हें किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता नहीं है। मुझे चिंता ध्रुव की है प्रभु। वो तो आपकी खोज में निकला है। उसे तो अपने नगर के मार्गों का ज्ञान नहीं है, तो फिर क्षीर सागर के मार्ग का क्या ज्ञान होगा प्रभु? प्रश्न यह उठता है कि ध्रुव का मार्गदर्शन कौन करेगा? आप करेंगे देवर्षि, ध्रुव का मार्गदर्शन आप करेंगे। मैं? हाँ, आप। वैसे भी सारे विश्व को विष्णु का पता तो आप ही बताते हैं। इन तीनों लोकों में आपसे बड़ा मार्गदर्शक और कौन हो सकता है मुनिवर? ध्रुव का मार्गदर्शन आप ही को करना होगा। आपका कथन मेरे लिए आदेश के समान है प्रभु। तो फिर अपना कार्य सिद्ध कीजिए। महादेवी लक्ष्मी भी व्याकुल हैं ध्रुव के लिए, उनकी अशांति दूर कीजिए। किंतु माता हैं कहां? माता है ना, ध्रुव का कष्ट उनसे सहन नहीं हो रहा था देवर्षि, इसलिए धरती पर गई हैं उसे भोजन कराने। परंतु समस्या यह है कि उसे तो भोजन की भूख ही नहीं है, उसे तो केवल हमारे दर्शन की प्यास है, और वो प्यास उसका मार्गदर्शन करके आप ही तृप्त कर सकते हैं मुनिवर। ठीक है प्रभु, यदि आप ये चाहते हैं कि आप भी मेरी परीक्षा लें तो ऐसा ही सही। मैं चेष्टा करूंगा कि ध्रुव उस मार्ग पर चले जो उसके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। नारायण नारायण। अरे माता आप? हाँ, मैंने सोचा तुम जाग गए होंगे, तुम्हें भूख लगी होगी ना। आपने मेरे प्राणों की रक्षा की, मेरा इतना ध्यान रखा, पर अभी तक आपने अपना पूरा परिचय भी नहीं दिया। कहा ना कि माता हूँ, माता का परिचय क्या? माता तो एक नाते का नाम है, पर जिससे इस नाते का संबंध होता है उसका भी अपना एक नाम होता है। अच्छा, मेरा नाम तो सुनो,
मेरा नाम विष्णु प्रिया है। विष्णु प्रिया अर्थात भगवान विष्णु की प्रिया। ये आप भगवान विष्णु की प्रिया है तब तो आप ये भी जानती होंगी कि भगवान विष्णु कहाँ निवास करते हैं। नाम विष्णु प्रिया होने से कोई भगवान विष्णु की प्रिया थोड़ी ही हो जाती है। और यदि ऐसा होता तो इस समय भगवान विष्णु मेरे साथ होते और तुम्हें उनकी खोज में भटकना नहीं पड़ता। तुम्हारे लिए भोजन लाई हूँ, चलो इसे ग्रहण कर लो। मुझे क्षमा कर दो माँ, मैं जानता हूँ तुम मुझे खिलाए बिना भोजन नहीं करती थी, पर मैं भगवान विष्णु से मिले बिना तुम्हारे पास नहीं आ सकता। लो। धन्यवाद माते, मुझे भूख नहीं है। क्यों बेटे? पुत्र ध्रुव, ध्रुव पिताश्री, पुत्र ध्रुव पिताश्री आ रहे हैं, मुझे कहीं छुपा दो। क्यों बेटे? पिताश्री आ रहे हैं, मुझे देख लिया तो मुझे घर पकड़ ले जाएंगे। मैं घर जाना नहीं चाहता, मुझे कहीं छुपा दो माते, मुझे कहीं छुपा दो। चलो चलो मेरे साथ। राजा ध्रुव कहाँ चले गए हैं माते? जहाँ भी गया हो तुझे क्या करना है? मेरे लाल, जिस दिन तेरा जन्म हुआ था उसी दिन मैंने स्वप्न संजो लिया था कि राज मुकुट सिर्फ तेरे ही सर पर रखा जाएगा। उसी दिन मैंने मन में ठान ली थी कि राज सिंहासन पर सिर्फ तू ही बैठेगा, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। भगवान की अपार कृपा है कि मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, ध्रुव स्वयं ही चला गया। तेरी राह का एक ही कांटा था, वो भी दूर हो गया। परंतु पिताश्री तो उन्हें ढूंढने गए हैं। ढूंढने नहीं गए हैं पुत्र, ढूंढने का स्वांग रचा रहे हैं, नहीं तो संसार कहेगा कि पिता को पुत्र की चिंता ही नहीं। वास्तव में वो प्यार तो तुझसे करते हैं और वो भी इसलिए कि तू मेरा पुत्र है। अब शीघ्र ही भोजन समाप्त कर ले, हमें बहुत से कार्य करने हैं। मैं आपसे क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु। क्षमा? मुझसे क्षमा? किस बात की क्षमा? मैं क्षमा मांगने आया हूं राजगुरु अपने उस भूल की कि मैंने आपका परामर्श ठुकरा दिया। आपने मुझे रोका था और बिल्कुल ठीक रोका था कि मैं महारानी सुनीति का स्थान सुरुचि को ना दूं, परंतु मैंने आपका तिरस्कार किया। मैं अपनी उसी भूल की क्षमा मांगने आया हूं। राजा मांगता नहीं है महाराज, राजा तो देता है, प्रदान करता है। राजा क्षमा मांगने लगे तो अपराधी को दंड कौन देगा महाराज? आपकी भूल ये थी कि आप अपनी इंद्रियों को वश में न रख सके, अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके। जिस प्रकार अश्व का सवार यदि अपने अश्व को नियंत्रण में न रख सके तो अश्व उसे अपनी पीठ से धरती पर गिरा देता है, उसी प्रकार
आप अपनी कामों की इच्छाओं पर नियंत्रण न कर सके और इन इच्छाओं ने आपको वहां पहुंचा दिया जहां आप आज स्वयं को पा रहे हैं। कर्म से गिरकर आपने राजा के धर्म को लज्जित कर दिया है महाराज। राजा तो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है और उसे किसी से क्षमा मांगना शोभा नहीं देता। मुझसे वास्तव में भारी भूल हुई है, मुझे दंड दीजिए राजगुरु, मुझे दंड दीजिए। भूल अवश्य हुई है महाराज, परंतु मैं दंड देने वाला कौन होता हूं? मुझे तो ये अधिकार ही प्राप्त नहीं। ये भूल आपने मर्यादा के विरुद्ध की है, अपने राजधर्म के विरुद्ध की है और इस भूल का दंड या क्षमा आपको स्वयं आप प्रदान कर सकते हैं या ईश्वर। मुझे स्वीकार है आपका परामर्श राजगुरु, परंतु आप ही बताइए कि मैं स्वयं को इस भूल का क्या दंड दूं? वो तो आपको मिल ही रहा है महाराज, क्या पुत्र वियोग किसी दंड से कम है? क्या इस राजमहल का सूनापन और सन्नाटा किसी दंड से कम है? क्या ये कुछ कम दंड है कि आप राजभवन में हैं और पुत्र ध्रुव वनों की धूल छान रहा है? राजगुरु, यही दुख तो मुझे चैन नहीं लेने देता। चैन तो आपको उसी समय मिलेगा महाराज जब आप ये निश्चय कर लेंगे कि आप इस भूल को न स्वयं दोहराएंगे न कभी किसी को दोहराने देंगे। प्रजा तो राजा के पद चिन्हों पर चलती है, आप अपनी प्रजा को विश्वास दिलाइए कि ऐसी भूल अब कभी नहीं होगी। रही क्षमा तो वो तो केवल ईश्वर ही कर सकता है। आप भगवान विष्णु से प्रार्थना कीजिए कि वो आपके पुत्र की इच्छा पूर्ति करते। ये होता है तो आपको अपने आप ही क्षमा मिल जाएगी। वो तो मैं अवश्य करूंगा राजगुरु, किंतु इस समय जाकर महारानी सुनीति से क्या कहूं? यही सोच मुझे खाए जा रही है। कुछ तो खा लीजिए महारानी जी। इसे ले जाओ दासी, मुझे भूख नहीं है। कब तक आप भूखी रहेंगी महारानी जी, कुछ तो खा लीजिए ना। कैसे खाऊं? न जाने मेरे ध्रुव ने कुछ खाया होगा कि नहीं। मेरा पुत्र महाराज? नहीं, कहीं नहीं मिला। मैंने सारा क्षेत्र छान मारा, उसका कहीं पता नहीं चला। सुनीति, ये सब मेरा ही किया धरा है। दिग्विजय उत्तानपात अपने अनंतपुर में पराजित हो गया। सरुचि के मोहजाल में आकर हमने आप पर और अपने पुत्र ध्रुव पर बड़ा ही अन्याय किया है। ऐसा ना कहे महाराज, ये सब मेरे भाग्य का खेल है। एक बार और चेष्टा करके देख लेते हैं। इस बार मैं भी आपके साथ चलूंगी। वनों में, पहाड़ियों में, घाटियों में, हर जगह उसे पुकारूंगी। कभी तो सुनेगा अपनी माँ की करुणा भरी पुकार, कभी तो सुनेगा। एक महारानी होकर आप भटकती फिरे, नहीं, ये उचित नहीं है। महारानी सुनीति कदापि उचित नहीं है। एक महारानी के लिए उचित नहीं, एक माँ के लिए तो उचित है। उधर ठोकरे खाता फिर रहा हो तो मां को महल में चैन कैसे मिलेगा?
देर हो गई तो वो हमसे और दूर चला जाएगा। चलिए महाराज, चलिए। महारानी महारानी, सब बना बनाया खेल बिगड़ गया। शुभ शुभ बोल बावली, कौन सा खेल बिगड़ गया? महारानी सुनीति ने महाराज का मन एक बार फिर जीत लिया है। क्या? ये तू क्या कह रही है? स्पष्ट बता क्या हुआ? मैं वहीं से चली आ रही हूँ। पुत्र शोक ने महाराज को व्याकुल कर दिया है। वो मेरे सामने महारानी सुनीति के समक्ष अपना पश्चाताप प्रकट कर रहे थे। क्या? हाँ महारानी, और अब दोनों मिलकर राजकुमार ध्रुव की खोज में जा रहे हैं। कुछ कीजिए वरना आपके सारे सपने चकनाचूर हो जाएंगे। नहीं, यह असंभव है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं देखती हूँ कि महाराज कैसे जाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं महाराज? क्यों, क्या मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी आज्ञा की आवश्यकता है? हम अपने पुत्र को ढूंढने जा रहे हैं जो केवल तुम्हारे कारण राजमहल छोड़कर चला गया है। हम दोनों मिलकर अपने पुत्र को ढूंढेंगे। ये अचानक पुत्र मोह कैसे उमड़ आया महाराज? पिताश्री ने आकर मेरे नेत्र खोल दिए हैं। मुझे आज ज्ञान हुआ है कि परिवार में पिता का क्या महत्व होता है। मैं भटक गया था, पिताश्री ने मुझे सत्य का मार्ग दिखाया है और अब मैं इस मार्ग को कदापि नहीं छोड़ूंगा। कान खोलकर सुन लीजिए महाराज, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। तू मुझे जाने नहीं देगी? तू रोकेगी मुझे? हाँ मैं रोकूंगी आपको, क्योंकि मैं आपकी पत्नी हूँ। तू पत्नी नहीं, पत्नी के रूप में हमारे परिवार के सुख चैन, हमारी एकता और हमारे प्रेम की शत्रु है। महाराज, तू उस चमकती रेत के समान है जो प्यासे यात्री को दूर से जल तो दिखाई देता है परंतु पास आने के बाद पता चलता है कि वो जल नहीं केवल रेत है। पिताश्री ने आकर मुझे इस मोह जाल से मुक्त कर दिया है। तेरे मोह में फंसकर मैं अपनी देवी समान धर्म पत्नी को भूल चुका था, अपने आप को भूल चुका था। तो ये कहिए ना कि सुनीति ने अंत में आप पर अपना रंग जमा ही लिया। मैं सब समझती हूँ, इसी ने आपको मेरे विरुद्ध भड़काया है। ये बेचारी शोक की मारी किसी को क्या भड़काएगी? इसके मन में तो पुत्र वियोग की अग्नि दहक रही है, पर तू क्या जाने इस दुख को? यदि तेरा उत्तम कहीं चला गया होता तो तुझे ज्ञान होता कि पुत्र वियोग क्या होता है। ये आप क्या कह रहे महाराज? भगवान के लिए इतने अशुभ बोल अपने मुंह से ना बोलिए। भगवान ना करे कि वो कहीं चला जाए। वो केवल आपका ही नहीं, मेरा भी पुत्र है। उसने मेरी कोख से जन्म नहीं लिया तो क्या हुआ? माता कहकर तो वो मुझे भी पुकारता था। मैं तो यही सोचती थी कि ध्रुव के जाने के बाद उत्तम ही हमारे घर का दीपक है। ध्रुव को तो मैं खो चुकी हूं, उत्तम भी अगर कहीं चला गया तो हमारा क्या होगा? देख लिया तुमने, ये है माता, ऐसी होती है ममता। और एक तुम हो कि ध्रुव हरदम तुम्हारी आंखों में कांटे के समान खटकता रहता था। तुम यही चाहती थी ना कि ये राजमहल तुम्हारा हो जाए, ये ऐश्वर्य तुम्हारा हो जाए, मेरे राजकोष, मेरे सिंहासन पर तुम्हारा अधिकार हो जाए। तो ले, मैं सब कुछ तुम्हें देता हूं और सुनीति को लेकर अपने पुत्र की खोज में जा रहा हूं। यदि वो हमें ना मिला तो हम भी लौट कर नहीं आएंगे। तू बिठा ले अपने पुत्र को राज सिंहासन पर और जैसे चाहे वैसे राज कर। हम जा रहे हैं, चलिए महारानी सुनीति। महाराज,
पुत्र ध्रुव, ध्रुव! पुत्र ध्रुव, 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 पुत्र ध्रुव! प्यासे हो और मैं तुम्हारे लिए जल लाया हूँ, क्या इतना जान लेना पर्याप्त नहीं है? मैं जल पीना नहीं चाहता, मैं भगवान विष्णु से मिलने जा रहा हूँ, बहुत लंबी यात्रा करनी है मुझे। जल नहीं पियोगे तो लंबी यात्रा कैसे करोगे? धर्म की साधना के लिए शरीर की रक्षा करना बहुत आवश्यक होता है बालक। लो थोड़ा सा जल पी लो। जो भी हो, भगवान विष्णु की खोज में यदि मेरा पथ निर्देश कर दे तो आपकी बहुत कृपा होगी। तुम जितने कोमल हो पुत्र, तुम्हारा संकल्प उतना ही कठोर है। इस कड़ी धूप में कुम्हला जाओगे। मेरी बात मानो पुत्र, घर लौट जाओ। मैं तो समझा था कि आप मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मार्गदर्शन ही तो कर रहा हूँ। देखो यहाँ से एक मार्ग तुम्हारे घर की ओर भी तो जाता है। भी मिलता है, मुझे घर लौट जाने को कहता है, कोई भी भगवान विष्णु का पता नहीं बताता। मैं उनसे मिले बिना घर नहीं जाऊंगा। ये जानकर भी नहीं कि तुम्हारी खोज में तुम्हारे माता पिता दिशाएं छान रहे हैं। आपको किसने बताया? मैं तो तुम्हें भी बता सकता हूँ। बता क्या, मैं तो तुम्हें दिखा भी सकता हूँ। देखना चाहोगे? देखो। माते, संभलिए महाराज। आप कौन है? आप मेरे माताजी के पास ले जा सकते हैं, तो फिर भगवान विष्णु के पास भी ले जा सकते हैं। मुझे बताइए आप कौन है? मैं नारद हूँ बालक, देवर्षि नारद। बारंबार प्रणाम आपको करता हूँ देवर्षि नारद। मुझे बताइए भगवान विष्णु कहाँ रहते हैं? भगवान विष्णु तो क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर निवास करते हैं पुत्र। चलिए ले चलिए मुझे क्षीर सागर। यही तो समस्या है पुत्र। क्या समस्या है? कोई प्राणी जीते जी क्षीर सागर में नहीं जा सकता। क्षीर सागर में मनुष्य की आत्मा जा सकती है, उसका शरीर नहीं। जब तक कोई प्राणी इस जीवन के बंधन में बंधा है तब तक वो क्षीर सागर नहीं जा सकता। मृत्यु के पश्चात ही वहाँ जाया जा सकता है बालक। पर मैं तो जीते जी उनसे मिलना चाहता हूँ। मैं मृत्यु से नहीं डरता, किंतु मैं उनसे मिले बिना मरना नहीं चाहता। तुमने तो मुझे चक्कर में डाल दिया पुत्र। एक बात कहूँ देवर्षि? अवश्य कहो पुत्र। मनुष्य तो मृत्यु के पश्चात ही उनसे मिल सकता है, पर वे स्वयं तो किसी भी जीवित प्राणी से मिल सकते है ना? मेरी बुद्धि की परीक्षा मत लो। तुम क्या कहना चाहते हो बालक? यही कि यदि मैं उनके पास नहीं जा सकता, पर वो तो मेरे पास आ सकते हैं ना? हाँ ये तो संभव है, किंतु इसके लिए बड़ी कड़ी तपस्या करनी होगी। करूँगा, करूँगा, कड़ी से कड़ी तपस्या करूँगा। सोच लो बालक, बड़ी कठिन राह है ये, कष्ट ही कष्ट है इस राह में। भगवान विष्णु के दर्शन के लिए मैं हर कष्ट हंस के सह लूंगा। पहले तुमने मुझे प्रणाम किया, अब मैं तुम्हें
तुम्हारे साहस, तुम्हारे दृढ़ निश्चय को प्रणाम करता हूं। इतना छोटा बालक और इतना बड़ा संकल्प, इतना साहस। अच्छा तो सुनो, तुम्हें उस वन में जाना होगा, दूर अंदर तक। वहां जाके तुम्हें एक मंत्र का जाप करना होगा, निरंतर, तार तोड़े बिना। जाप एक पल के लिए भी नहीं टूटना चाहिए। मुझे मंत्र दीजिए। कहो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 देवर्षि। माते, प्रणाम। माते, क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? आप मुझे कुछ रूठी रूठी सी दिखाई दे रही हैं। हाँ, मैं आपसे बहुत क्रोधित हूँ। आप भी कभी कभी ऐसे उल्टे सीधे काम करते हैं कि मन करता है आपसे कभी बात ही न करूं। मगर माते, नियम तो ये है कि दंड देने से पहले अपराध करने वाले को उसके अपराध के बारे में बताया जाता है। आपने तो मुझे अभी तक नहीं बताया कि मेरा अपराध क्या है। आपसे उत्तर नहीं बन पा रहा, इसके लिए बातें मना रहे हैं। मैं पूछती हूँ, उस छोटे से बालक को इतने घोर वन में भेजने की क्या आवश्यकता थी, जहाँ हर पग वन्य पशुओं और विषैले सर्पों का संकट है? ओ, तो माता मुझसे इसलिए रुष्ट हैं कि मैंने ध्रुव को वन में क्यों भेज दिया? और नहीं तो क्या, मंत्र का जाप ही तो करना था। वो तो ध्रुव वहाँ भी कर सकता था जहाँ आप उसे मिले थे। एक कोमल काया को इतना बड़ा कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? परंतु माते, जहाँ मैं ध्रुव से मिला था वह एक खुला क्षेत्र था। तो क्या हुआ? नारायण नारायण। माते, आपको तो पता है कि ध्रुव के माता पिता उसकी खोज में निकल चुके हैं। हाँ, मैं जानती हूँ। माते, किसी खुले क्षेत्र में ध्रुव उनकी दृष्टि से बच नहीं पाता। कभी ना कभी वह उसे देख ही लेते। यदि वह उसे देख लेते तो फिर घर ले जाने का प्रयत्न करते। यदि वो उसे घर ले जाने का प्रयत्न करते तो मंत्र के जाप का तार टूट जाता। यदि मंत्र के जाप का तार टूट जाता तो ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती, और यदि ध्रुव की तपस्या भंग हो जाती तो भगवान विष्णु से मिलने की उसकी मनोकामना पूर्ण न हो पाती। इसलिए मैंने उसे एक ऐसे स्थान पर भेज दिया है जहां उसे कोई देख न सके। माते, ठीक है, किंतु तुम जानते हो ना कि ध्रुव मुझे कितना प्यारा है। यदि उसे कोई हानि पहुंची तो? माते, मैं उसके भाग्य के लिखे को तो नहीं बदल सकता। मैंने तो वही किया जो मुझे इन परिस्थितियों में उचित लगा। क्या अब भी आप मुझसे रुष्ट हैं? नहीं, परंतु संतुष्ट भी नहीं हूं। एक बात कहूं माते? कहो। आप जब भी क्रोधित होकर मुझे डांटती हैं तो मुझे बहुत आनंद मिलता है। मुझे यूं लगता है मानो किसी सुंदर मधुवन से मुझ पर फूलों की वर्षा हो रही हो। नारायण नारायण। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते देवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नारायण। आइए देवर्षि आइए, स्वागत है आपका। बताइए तो क्या आपकी कृपा दृष्टि हुई ध्रुव पर? क्या आपका मार्गदर्शन मिला उसे? ध्रुव का मार्गदर्शन आपने भी किसके पास भेज दिया था मुझे? वो बालक है ना, न जाने किस मिट्टी का बना हुआ है। देखने में तो छोटा सा है परंतु संकल्प इतना दृढ़ कि बड़े बड़ों की बुद्धि चकरा जाए। इतनी छोटी सी आयु में इतनी महान अभिलाषा, और अब इस बात पर अड़ा हुआ है कि भगवान को स्वयं ही उसके पास आना पड़ेगा और इसके लिए कुछ भी सहने को तैयार है। प्रभु, उसका मार्गदर्शन करते करते तो मैं अपना मार्ग भूलते भूलते बचा। उसे मेरे मार्गदर्शन की आवश्यकता नहीं लगती प्रभु। आप ठीक कह रहे हैं देवर्षि, आप ठीक कह रहे हैं। पतंगा जब दीपक पर अपना सर्वस्व न्योछावर करने की ठान लेता है तो केवल एक ही वस्तु उसका मार्गदर्शन कर सकती है, दीपक की लौ और उस पर मर मिटने की इच्छा। फिर यही उद्देश्य उसका पूर्ण जीवन बन जाता है। ध्रुव के मन में जिस संकल्प ने जन्म लिया है देवर्षि, उस संकल्प की पूर्ति के लिए उसका मार्गदर्शन भी वही संकल्प करेगा। उस संकल्प के अतिरिक्त और कोई उसका मार्गदर्शन कर ही नहीं सकता। एक बात पूछने को मन कर रहा है जनार्दन, तो संकोच क्यों कर रहे हैं देवर्षि, पूछिए ना। हे विश्वेश्वर, जब ध्रुव के संकल्प से ही उसका मार्गदर्शन होना था तो फिर उसके मार्गदर्शन के लिए आपने मुझे क्यों भेजा? यदि चंद्रमा उदित ही न हो देवर्षि, तो अंधियारी रात्रि के यात्री को कौन बताए कि उसकी यात्रा किस दिशा में होनी है? आपने चंद्रमा बनकर ध्रुव की आकांक्षा को दिशा दे दी देवर्षि, यह कोई साधारण और सरल कार्य नहीं था। मैं जानता था कि यह कार्य केवल आप ही कर सकते हैं देवर्षि, केवल आप, क्योंकि आप सृष्टि के सबसे श्रेष्ठ मार्गदर्शक हैं। जो आपने किया वो केवल उचित ही नहीं था बल्कि सराहनीय भी था। आपकी सराहना के लिए बहुत बहुत धन्यवाद नारायण, किंतु माता लक्ष्मी कभी मुझे सराहे, लगता है ये मेरे भाग्य में नहीं लिखा है। मैं जानता हूं देवर्षि, आपने जो किया उससे माता लक्ष्मी यदि रुष्ट नहीं तो संतुष्ट भी नहीं है, यही कहना चाहते हैं ना आप? आपसे क्या छिपा है अंतर्यामी? हाँ, माता मुझसे अप्रसन्न है। वो विवश है देवर्षि, अपनी ममता के कारण विवश है वो, उनसे तो किसी की पीड़ा नहीं देखी जाती। और फिर ये पीड़ा तो उसकी है जिसे उन्होंने स्वयं अपना पुत्र मान लिया है, इसलिए आप पर थोड़ा सा क्रोधित हो गई थी। और फिर क्रोध का प्रदर्शन भी तो अपनों से ही किया जाता है ना देवर्षि, आपको अपना समझती है, आप पर कृपालु है, इसलिए कभी कभी आप पर अपने क्रोध के पुष्प भी बरसाती रहती हैं। आपको भी तो आनंद मिलता है इससे। आपने मेरे मन की बात कह दी प्रभु, सच पूछिए तो माता के मुख से यदि कटुवचन भी निकले तो उनसे मधु की बूंदे टपकती दीख पड़ती हैं। किंतु माता अभी देवलोक लौटी नहीं क्या? ममता चिंता का दूसरा नाम है। आपने तो ध्रुव को भेज दिया वन में, अब माता का मन तड़प उठा कि कहीं वन के पशु उसे कोई हानि ना पहुंचा दे। इस समय वो ध्रुव की रक्षा का प्रबंध करने शिव भार्या पार्वती से मिलने कैलाश पर्वत गई है। इस पुराण में है निहित, इस पुराण में है निहित, जप तप और यो।